माननीय प्रधानमंत्री जी, परम सम्मानीय अडवाणी जी, जोशी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अमित शाह जी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, जब से अरुण जी राज्यसभा में आए, मैं उससे पहले से लेकर और आखिरी वक्त तक हमेशा उनको संसद में या तो मंत्री के रूप में, नेता सदन के रूप में या नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें देखा। इतना मिलनसार और वरिष्ठ व्यक्ति इतने बड़े पद पर बैठे हुए भी इतना आसानी से एक्सेसिबल और हो नहीं सकता। हमारे तो बहुत निकट संबंध थे, ज्यादा बात कहने का अवसर भी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जब जब राज्यसभा में नेता सदन की कुर्सी की तरफ देखूंगा तो अरुण जी याद आए, और जब जब केंद्रीय कक्ष में कदम रखूंगा तब अरुण जी याद आएंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि जब भीड़ होती थी केंद्रीय कक्ष में तो लोग समझ लेते थे कि अरुण जी बैठे हुए। इतना आसानी से कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सकता मंत्री, राज्यों के मंत्री, विधायक, सबको मौका मिल जाता था अरुण जी से बात करने का, नमस्ते करने का, बजाय नॉर्थ ब्लॉक जाने के सेंट्रल हॉल में आ जाए। ही वॉज अवेलेबल इवन बिफोर, वन डे बिफोर वेन ही वॉज गोइंग टू प्रेजेंट द बजट इन द हाउस, तब भी वो एक दिन पहले संसद के सेंट्रल हॉल में बैठा करते थे निश्चिंता के साथ। और लोगों के लिए संभव नहीं है, न मैंने देखा, पिछले मैं 26 साल से संसद में लगातार हूं, ऐसा कभी नहीं देखा। इसलिए मैं उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कामना करना चाहूंगा कि उनका परिवार इस जो वज्रपात हुआ है इसको सहने की उनमें शक्ति हो। उनकी पत्नी संगीता जी, बेटी सोनाली जी, बेटा रोहन जी, इस सब को सह सके और उनकी विरासत को आगे ले जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।